अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के तत्वावधान में तारामंडल स्थित क्षत्रिय भवन प्रताप सभागार में प्रताप सभागार फाउंडेशन ट्रस्ट के संस्थापक तथा मुख्य ट्रस्टी स्वर्गीय डॉक्टर रघुनाथ चंद जी के मूर्ति का अनावरण समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के आईपीएम के चेयरमैन इंजीनियर आईडी सिंह ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित किया तथा उनके मूर्ति का अनावरण किया, जिसके संबंध में के आईपीएम के चेयरमैन इंजीनियर डॉक्टर आरडी सिंह ने बताया कि स्वर्गीय रघुनाथ चंद जी क्षत्रिय महासभा व प्रताप सभागार ट्रस्ट फाउंडेशन में हमेशा समर्पित रहते थे और हम लोगों को हमेशा महाराणा प्रताप और शिवाजी के आदेशों पर चलने का प्रेरणा देते रहते थे। उन्होंने कहा कि डॉक्टर चंद क्षत्रिय समाज को क्षत्रिय धर्म का पालन करने के लिए हमेशा प्रेरित करते रहते थे, जिससे क्षत्रिय का जो कर्तव्य है सभी वर्गों के लोगों को छाया के रूप में उनका पालन पोषण करें। इस अवसर पर वरिष्ठ अतिथि मोतीलाल मेमोरी सोसाइटी के महामंत्री राजेश सिंह, ट्रस्ट के महामंत्री रामदेव सिंह, कोषाध्यक्ष विजय सिंह, दिनेश साहू, विशाल विक्रम चंद, डॉक्टर राम अवतार चंद, डॉक्टर दिनेश सिंह, साथी श्रवण कुमार सिंह, अरविंद प्रताप शाही सहित अन्य लोग मौजूद। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए के आई पी एम के चेयरमैन इंजीनियर आर डी सिंह एवं आई एम ए के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर एस सी कौशिक ने कहा, मंच के बगल में इस सदन के सभागार के शिल्पी संरक्षक और स्वर्गीय डॉक्टर रघुनाथ चंद जी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर गोरक्ष पीठाधीश्वर महंत अवैधनाथ जी महाराज और उस परंपरा को पूर्वांचल में आगे बढ़ाने वाले, उस लक्ष्य और उद्देश्य को लेकर समर्पित होने वाले इस सभागार के शिल्पी, इस सभागार के स्वप्नद्रष्टा दिव्यनाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय के पूर्व आचार्य और अध्यक्ष प्राचीन इतिहास पुरातत्व एवं संस्कृत विभाग प्रताप सभागार और ट्रस्ट के शिल्पी सृजनकर्ता और निर्माता आदरणीय श्री रघुनाथ चंद जी के चित्रों पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित कर और अपने इन बुजुर्गों, इन मनीषियों, इन तत्वदर्शियों का आशीर्वाद प्राप्त करते हुए हमारे मंचस्थ अतिथि साथी जी बाबू रामदेव सिंह जी बैठ जाते हैं बात करते हैं। कार्यक्रम के विशिष्ट अध्यक्ष का अभिनंदन सम्मान अतिथि देव के हमारे सनातन संस्कृत में वस्तुओं को और इसके पश्चात श्री रामदेव सिंह जी को माल्यार्पण करने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ डॉक्टर राम अवतार चंद जी को सदन में सम्मानित कर, जिसके पश्चात मैं आमंत्रित करता हूँ श्री भारत माता की जय, भारत माता की जय, डॉक्टर रघुनाथ चंद अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। चलिए आइए सर, हम लोगों के लिए हम लोगों के विशेष ये दिन है और हम लोग बहुत दिनों से चाह रहे थे, 4-5 महीने से, लेकिन किन्हीं कारणों से जो है इसका अनावरण नहीं हो सका। अब हमारे स्वर्गीय चंद जी हम लोगों के जो है बहुत
बहुत ही इस क्षत्रिय महासभा एवं प्रताप ट्रस्ट फाउंडेशन के लिए समर्पित रहते थे और हम लोगों को हमेशा महाराणा प्रताप एवं शिवाजी के आदेशों पर चलने के लिए प्रेरणा देते रहते थे। हम लोग डॉक्टर चंद जी के बारे में इतना ही कहना है कि वो इस क्षत्रिय समाज को क्षत्रिय धर्म का पालन करने के लिए हमेशा वो जो चिंतित रहते थे और उनके अंदर ये भावना रहती थी कि क्षत्रिय धर्म का पालन किया जाए, जिससे क्षत्रिय का जो कर्तव्य है कि सभी वर्गों के लोगों को छाया के रूप में वो उनका भरण पोषण और उनका याद करें। लेकिन ये हम लोगों का दुर्भाग्य रहा कि बहुत कम समय में हम लोगों का आशा छोड़ कर चल दिए। फिर भी हम लोगों के जो है जितने सहयोगी हम हैं, हम उनके जो है आदर्शों को चलाते रहेंगे और उसका पालन करते रहेंगे, उनके इस मुहिम को हम गति देते रहेंगे। धन्यवाद। आदरणीय डॉक्टर रघुनाथ चंद की स्मृति में इकट्ठे हुए हैं और उनकी प्रतिमा का अनावरण आज का हमारा प्रोग्राम रहा है। डॉक्टर रघुनाथ चंद जी की यह कर्मस्थली रही है। उनकी कर्मस्थली वैसे तो बहुत बड़ी रही है, बहुत बड़े विद्वान इतिहास वक्ता थे और समाज के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया और इस भवन का निर्माण उन्होंने एक क्षत्रिय समाज को बैठने के लिए और अपनी संस्था के बारे में सोचने के लिए, विचार करने के लिए और आगे बढ़ने के लिए हम यहाँ पे बैठकर बातचीत कर सकते हैं, इस उद्देश्य से उन्होंने इस भवन का निर्माण कराया था। और उनके देहावसान के बाद यह बहुत दिन तक यह विचार आया कि इनकी मूर्ति लगाई जाए और इसका अनावरण किया जाए। मूर्ति तो बन गई थी लेकिन किंचित कारणों से हम लोग इसको 2-3 महीने तक इसका जो है अनावरण नहीं कर सके। इसके पीछे बहुत सारे कोरोना या उत्तर बहुत सारे कारण थे, तो आज यह जो है बहुत शुभ घड़ी आई है कि हम एक ऐसे व्यक्ति का सम्मान कर रहे हैं जिन्होंने पूरे समाज को और पूरे जिला को, पूरे क्षत्रिय समाज को और अपने यहाँ पढ़ने वाले विद्यार्थियों को हर तरह से जितनी भी मदद कर सकते थे इन्होंने किया है। इनका जो इनके जो मानवीय गुण थे इसके आगे हम सारे लोग श्रद्धा से नमन करते हैं और आज इनका मूर्ति का अनावरण करके अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। धन्यवाद।